कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी सतपाल जांबा का स्वागत करते हुए पूंडरी गांव गई है। लाइव तस्वीर फिलहाल आप देखने लगे धर्मशाला में कहीं न कहीं सारी समाज का पूंडरी हलका में सतपाल जांबा का समर्थन मिलता है। आप देख सको नौजवान युवा का भी सतपाल जांबा के उस्ताद भाजपा के प्रत्याशी सतपाल जांबा का जोरदार स्वागत है। पूंडरी हलका के पूंडरी गांव की देखने लायक जो है सैनी धर्मशाला में सारा सैनी समाज ने कहीं न कहीं सतपाल जांबा बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन सम्मान करते हुए सतपाल जांबा बीजेपी प्रत्याशी पूंडरी हलका की लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। बुजुर्गों का जिसने आशीर्वाद मिल गया कहीं ना कहीं वो पार जाने दिखा रहा है। पूरे साहब लगा इसको जन सलाम ने तोल कर कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी सतपाल जांबा का स्वागत करते हुए पूंडरी गांव गई है। लाइव तस्वीर फिलहाल आप देखें जी, जन सैलाब देखने को मिल रहा है तो क्या कहना चाहोगे? सर ये जन सैलाब नहीं प्यार देखने को मिल रहा है सर जी। लोगों में प्यार है, भारी उत्साह है, लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार पूंडरी में नायब सरकार। कार्यक्रम दो तीन घंटे लेट हो रहे हैं सर, तो क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ सर ये लोगों का प्यार है। जहाँ हमारी 10 चाय होती है 50 चाय हो रही है, जहाँ 50 है वहाँ डबल हो रही है, 100 हो रही है। तो सर लोगों का प्यार है तो इसलिए हमारे प्रोग्राम 3-3 घंटे लेट चल रहे हैं। कंपटीशन किसके साथ देख रहे हैं, निर्दलीय साथ है या किसी? अपने आप से सर, अपने आप से। जो पास्ट में सतपाल जांबा था उसे बेटर मैंने बनना है, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। सतपाल जी मौजूदा जो विधायक हैं उसके शहर में पैतृक गाँव के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि अपार जनसमूह है, तो जबकि विधायक के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे विकास कार्यों को लेकर। ये सर बीजेपी के प्रति लोगों का प्यार है। हम गांव-गांव जाते हैं सर, गरीबों के गरीब बच्चे लगे हुए हैं सर, ऐसे बच्चे जिसके बच्चे लगे हुए उनके माँ बाप पाँव पड़ते हैं। अगर अब बीजेपी ना होती हमारे बच्चे हमारे अधिकार कभी नहीं मिलता सर। लोगों का लोग क्यों ना प्यार करें। अभी जनसभा में कुछ लोगों के द्वारा सुनने में आया था कि भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका तो वेट भी बढ़ गया है और जबकि अन्य जो कैंडिडेट होते हैं उनका तो वेट लॉस हो जाता है। सर हंसते खेलते इलेक्शन लड़ेंगे, रोका वोट नहीं मांगते, ऐस का वोट मांगेंगे। और सर हमारे नायब सैनिक की तरह फीलिंग कसूती आ रही जैसे तस्वीर गांव की बदली थी क्या पूंडरी हलके की भी बदले जाएगी? सर शुरू हो चुका है मिशन जी, 8 तारीख बाकी है। पूंडरी हलके लिए क्या सोचा गया है? सर डेवलपमेंट, चाहे मेरे हलके में शिक्षा को लेके सर बहुत बड़ा विज़न है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हलके के जितने भी सरकारी स्कूल हैं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम हो, साफ़ सुथरे स्वच्छ, जितने भी टीचर्स नहीं हैं टीचर प्रॉपर हों। तो शिक्षा को लेके सर हमारा बहुत बड़ा विज़न है। सतपाल जांबा के द्वारा जो सामाजिक कार्य शुरू किए गए थे चाहे सफाई का हो, पौधारोपण का हो, उसके बांटने का हो, तो उसका अब चुनाव के अंदर कितना बेनिफिट मिला? सर मैंने सफाई अभियान के दौरान एक बात बोली थी और आपको भी बोली थी कि सर मैं ना केवल गलियाँ और नालियाँ साफ़ करने नहीं आया, मैं सर पॉलिटिक्स से गंद भी साफ़ करने आया हूँ और सर जो करके रहूँगा। सर पूंडरी से तो इतना प्यार है, पूंडरी के लोगों की वजह से ही मैं आज सतपाल जांबा बना हूँ। जो मुझे प्यार मिला मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई लोगों को भी समझाएं, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कीजिए, अपने बच्चों की खातिर कीजिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, डेवलपमेंट पर बात कीजिए, विज़न के बारे में बात कीजिए। कोई वोट मांगने आता है उससे बात कीजिए, भाई आपका विज़न क्या है, हमारा अधिकार है उसे पूछने का तो पूछिएगा। जी धन्यवाद, थैंक यू सर।